ज्ञानवापी मामले में सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन से हिंदू पक्ष को झटका लगा है। हिंदू पक्ष की एक याचिका थी, याचिका खारिज हो गई है। क्या कुछ था मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता मदन मोहन यादव जी हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं। क्या हुआ आज कोर्ट में मदन जी? आज वस्तुतः यह मामला जनवरी में ही दाखिल किया गया था कि जो विग्रह हैं, पूजा चल रही है ज्ञानवापी तहखाने में, उसकी मरम्मत करा दी जाए। और ऊपर जो मुस्लिम पक्ष आके नमाजी आते हैं और धमाल चौकड़ी करते हैं, नीचे विग्रह उनका अपमान किया जाता, उनको रोका जाए। इसी बात का आर्ग्यूमेंट मुस्लिम पक्ष द्वारा किया गया कि चूंकि हमने 31 जनवरी का जो जिला जज का आदेश है, जिसके बनस्पत जिसके दृष्टि से जिसके आलोक में पूजा चल रही है ज्ञानवापी परिसर में, उसको रोका जाए, तो वो विचाराधीन विषय है, रोकने की बात है। लेकिन जो मरम्मत की बात कही गई है, कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार क्यों कौन होगा? और उसके कस्टोडियन तो जिलाधिकारी हैं। हमारी तो छोटी सी अपील थी कि भाई पूजा चल रही है वो अपनी जगह विषय, परंतु कोई दुर्घटना ना, इसलिए मरम्मत कराई जाए। और देव विग्रह जो कोर्ट के आदेश से हमारी पूजा पाठ इत्यादि राग भोग आरती चल रहा है ज्ञानवापी परिसर के नीचे उसमें तहखाने में, उसकी कोई अपमान न करे। ऊपर देव विग्रह है तो कोई थूके और उस पर धमाल चौकड़ी न करे, इसका भी ध्यान में रखते हुए मुस्लिम पक्ष को रोका जाए। इस आशय पर के प्रार्थना पत्र पर अवश्य ही हम लोग थोड़ा सा दुखित हैं कि कोर्ट हमारे पक्ष में आदेश नहीं किया, चूंकि एक दुर्घटना संभावित रोकने का भी विषय था। तो निसंदेह अब मुस्लिम हिंदू पक्ष द्वारा अब उच्च अदालत में यानी जिला जज की कोर्ट में अपील करेंगे। हमें आशा है कि इस मामले में हमें राहत अवश्य मिलेगी। नमाजियों की संख्या भी सुनिश्चित करने की मांग थी उस याचिका में। जी, ये तो अवश्य ही कहा गया था कि ये क्या मतलब है कि एक मस्जिद विवादास्पद है और भारत भर के विदेशों से आके मुसलमान उसमें नमाज अदा करें, ये गलत बात है। यहाँ के स्थानीय मुसलमान हैं, यदि जाते हैं नमाज का फ़र्ज अदा करें भाई, लेकिन वहाँ जाके शक्ति जो प्रदर्शन किया जा रहा है यह नीयत ठीक नहीं है। और इसके आलोक में, इसके पक्ष में कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी वहाँ पे बड़ी आतंकी कार्रवाई भी कर सकते हैं लोग, तो इस नाते उसको रोकने के लिए सीमित संख्या का हमारा आग्रह है। जो जज साहब थे, किस कोर्ट से ये फैसला आया है, और फैसला देते समय कोई कमेंट कोई ऑब्जर्वेशन भी कोर्ट की तरफ से आया क्या? जी, ये सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल जी जज साहब की कोर्ट से ये फैसला आया, निर्णय आया है। और उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट का मुस्लिम पक्ष का उठाया है कि चूँकि 31 जनवरी के जिला जज के आदेश से ज्ञानवापी परिसर में तहखाने में पूजा चल रही है, उसको रोकने की मुस्लिम पक्ष की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और इस लंबित याचिका को कोई आधार बना के कोई दुर्घटना को भी लंबित करा दिया, यह संभव नहीं, दुर्घटना कह के थोड़ी ना आएगी। तो इसी आर्ग्यूमेंट के आलोक में माननीय न्यायाधीश महोदय का आदेश है, तो अवश्य ही हम लोग असंतुष्ट हैं, जिला जज की अदालत में हम अपील करेंगे। चलिए, तो सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन से हिंदू पक्ष को झटका लगा है, लेकिन हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ जिला जज की अदालत में जाएंगे। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।